बताओ यार कैसे हुआ, सिर्फ हम ही बताएं। क्या पॉइंट टू बी नोटेड, लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, वो भी आज के जमाने में। नहीं मैं दिल का सच्चा हूँ, मैंने स्क्रॉल किया, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट किया, मैंने स्क्रॉल किया, मैंने देखा। बताइए क्या प्रपोज कैसे किए थे, हम पसंद आया था, बहुत घटिया प्रपोजल था। आज बता देते हैं। सुनिएगा निवेदन हमारी प्रेम का। अरे हाँ, कम ऑन। कैसा स्टार्ट करूँ वही समझ में नहीं आता। पता है लाइफ में कभी कभार ऐसे हो जाता है कि लाइफ कहाँ जा रही है, कैसे। हाँ, बकवास करो, समझ में नहीं आता। मतलब जस्ट याद करो कि कुछ दिन पहले की बात है। I mean, it's not just then, it's कुछ years पहले की बात है। एक प्रोजेक्ट के काम से मैं गया, जस्ट एक दिन गया, तुम सामने बैठी हुई थी, इतना बड़बड़ कर रही थी, मतलब मैं परेशान हो गया। है कौन ये लोग, कुछ काम नहीं है लोग को, देखा भी नहीं था। हाँ लेकिन मैं तुम्हें नोटिस कर, मैं देखा कि अच्छी दिखती के बाद 3 महीने बाद मैं उसी प्रोजेक्ट का टीम लीड बन के गया। राइट हाँ। तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन से मेरे करीब मेरे हबीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन से आमिर दिल गरीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन से छोड़ के यूएस जाना पड़ा, दिल टूट गया भाई का, दिल टूट गया। ठीक है छूट रही है तो छूट रही है, पकड़ लेंगे फिर। यूएस पहुंच गया बंदा। एक्चुअली उस वक्त जब मैं यूएस गई थी तो एवरीबॉडी सेड कि दिस विल नॉट वर्क, लॉन्ग डिस्टेंस डजंट वर्क, बट हमको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सब लोग यूजुअली बोलते हैं कि यार ये पर्सन ने मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़, नॉर्मली कोई छोटी सी चीज़ भी की है, सो मे बी दिस पर्सन विल बी देयर फॉर मी इन फ्यूचर इन माई बैड टाइम, बट हियर आई कैन से दैट ही वॉज ऑलरेडी देयर फॉर मी। वो भी अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वो भी सही।